विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण के मतदान में हिस्सा लेने अपना दल एस के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का दावा करती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर जयंत चौधरी तक पर तीखे हमले करती हैं। आपको बता दें, अनुप्रिया पटेल अपनी रैलियों में साफ साफ कह रही हैं, मोदी योगी के चेहरे पर आकर वोट दो। स्वामी प्रसाद मौर्य, जो यूपी चुनाव के दरमियान ही भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए, उसे लेकर अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने से भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा के साथ चले जाने पर कहा, भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यूपी में जातीय समीकरणों को साधा जाता है क्योंकि जाति आधारित हमारी सामाजिक संरचना है। जाति समीकरणों को हर नेता व हर दल साधता है। किसी नेता के चुनाव से ठीक पहले आना या जाना से खास प्रभाव नहीं पड़ता। राजनीति में चुनाव के पहले आया राम गया राम लगा रहता है। अगर पिछले इतिहास को उठाकर देख लें तो किसी दूसरे नेता के दूसरी पार्टी में चले जाने को मतदाता इशू बेस नहीं समझते। चुनाव के समय आया राम गया राम लगा रहता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जयंत चौधरी के प्रभाव और किसानों की नाराजगी से बीजेपी को नुकसान होगा, इस बात को अनुप्रिया पटेल ने पूरी तरह से नकारा है और कहा है, कोई भी गठबंधन आकर बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन एनडीए के गठबंधन को जनता ने पूरे मन से स्वीकारा है। शुरू से ही एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन में मतदाताओं का रुझान दिखा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।